बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहब्बत, दुनिया के तमाम नेक लोगों के दिलों को जोड़कर एक लफ्ज़ मोहब्बत बनाया गया है कि तसव्वुर के लम्हों को किसी शख्स का ख्याल हसीन कर दे तो वो मोहब्बत है। दुनिया की तमाम तर खुशियाँ किसी एक शख्स की आवाज़, उसके दीदार या उसके साथ उम्र बसर करने में मुयसर हों तो वो मोहब्बत है। ज़िंदगी के एक ही लफ्ज़ की एक ही असास है और वो है मोहब्बत। मोहब्बत हिम्मत है, मोहब्बत आदत है, मोहब्बत सआदत है, मोहब्बत इबादत है। ये मोहब्बत नेक लोगों की विरासत है। ये चांद, ये सूरज, ये ज़मीनों आसमान, ये पहाड़, ये नहरें, नदियाँ, दरिया, ये चश्मे, कहीं समुंदर, कहीं सहरा, ये पेड़ पौधे फूल, ये खुशबू, ये क्या है? ये मोहब्बत है। दरअसल इस दुनिया की तख्लीक ही एक मोहब्बत है कि काली रात में काले पत्थर पर चलते काले कीड़े के पैरों के निशान को खुदा का देखना खुदा की खुदाई नहीं बल्कि मोहब्बत है। कि अपने एक पसंदीदा शख्स की तोतली ज़ुबान से सिर्फ़ एक दिन अपनी तारीफ़ न सुनने पर खुदा का तलू आफ्ताब को रोक देना एक मोहब्बत है। मोहब्बत की ऐसी कई मिसालें आपके इर्द गिर्द भी आपको महसूस होती होंगी, जैसे रात गए तक बिना नींद भरी आंखें बंद करके लेटना और किसी एक शख्स को सोचकर दिल ही दिल में मुस्कुराना, या फिर किसी ख़ास शख्स को बिना सोचे हुए सोना और इसी शख्स का ख्वाब में आना मोहब्बत है। मोहब्बत का ज़हूर कभी भी कहीं भी हो सकता है। मोहब्बत अल्लाह पाक की तरफ से मिला एक तोहफ़ा है। किसी गलत ख्याल को मोहब्बत का नाम नहीं देना चाहिए, यह भी एक गुनाह ही है। मोहब्बत बुराई से रोकती है, मोहब्बत खुदा परस बनाती है तमाम चालाक और शातरों से। एक मोहब्बत जीत जाती है। वह शख्स खुदा का पसंदीदा मुंतखब होता है जिसे किसी से मोहब्बत हो, कि तमाम फरिश्ते शख्स के हक में इसकी मंजिल के लिए दुआ करते हैं जिसकी मंजिल मोहब्बत हो। मोहब्बत कौन से मोहब्बत है जिन्हें मोहब्बत से मोहब्बत है। अल्लाह पाक हम सबको मोहब्बत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।